नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सारंग और आप देख रहे हैं कलाकारी। दोस्तों, हमने पहले कुछ वीडियो में सीखा था कि अगर किसी को बधाई देनी है, विश करना है, तो आप किस प्रकार से ग्रीटिंग कार्ड कर सकते हैं, और उसी का सिलसिला आगे करते हुए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ एक और एक ग्रीटिंग बनाने का आसान तरीका। वो है कुछ इस प्रकार से, और जिसको हम नैपकिन फोल्ड भी बोलते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से ओपन होता है, आप ये निकाल भी सकते हो। तो चलिए सीखते हैं नैपकिन फोल्ड बनाने का आसान तरीका। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कार्ड पेपर या फिर टिंटेड पेपर जो कि 24 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर का हो। तो सबसे पहले हम इसको हाफ में मोड़ लेंगे, और इसके बाद हम दूसरे साइड से भी इसको हाफ में मोड़ लेंगे। और इसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है हाफ, उसको भी और हाफ में मोड़ लेंगे, और सेम चीज करेंगे ऊपर वाले पोर्शन को भी। इसके बाद दूसरे साइड में भी हमको सेम चीज करनी है। ये होने के बाद सारे जो कोने हैं उसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर देना दोस्तों। इसके बाद नीचे वाला हाफ जो पोर्शन है उसको मोड़ लेना है, और उसी के बाजू वाला जो एक पोर्शन है उसको भी अंदर की तरफ मोड़ लेना है। जो कोने वाला पोर्शन है वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये करने के लिए थोड़े बहुत आपको फोल्ड पे जोर देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो पेपर प्रॉपरली खड़ा नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरीके से। तो उसको ऊपर की तरफ से दबा के नीचे लाके उसको आराम से स्क्वायर उसका बन जाएगा, उसको हल्के हाथों से दबा लेना है। तो देखिए दोस्तों, यही चीज़ आपको सारे साइड्स में करनी है। दूसरे साइड्स में करने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन तीसरे और चौथे साइड्स को करने के लिए शायद आपको यही दो चीज़ दोनों साइड्स पे एक ही बार करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार दिखेगा। फिर अंदर वाला जो पोर्शन है स्क्वायर वाला, उसको बाहर की तरफ मोड़ लेना है, और उस पर भी अच्छी तरीके से दबा के लेना है। और यही चीज हमको करनी है सारे साइड्स पे भी। तो अपना ग्रीटिंग ऑलमोस्ट रेडी है, बस उस पे अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। तो इसके लिए हमें चाहिए 7.5 सेंटीमीटर के दो स्क्वायर। इसको डायगोनली एक लाइन ड्रॉ करके उसको काट लेना है। आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाएगा। उसको हमें हमारे जो बीच वाला ट्रायंगल से उस पर चिपका देना है। तो इसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर के 6 स्क्वायर काट लेने हैं, और इसको भी डायगोनली कट कर लेना है। और इसको इस तरीके से, जैसे मैंने वीडियो में बताया है, जो ट्रायंगल्स है उसको चिपका देंगे। उसके बाद अलग रंग के 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के दो स्क्वायर काट लेंगे, उसको भी डायगोनली कट कर लेंगे, और जो बचे हुए ट्रायंगल्स है उस पर चिपका देंगे। तो अपना ग्रीटिंग तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है दोस्तों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से खुलेगा। इसमें आप कोई भी ग्रीटिंग डाल के, विश डाल के, आप ये कुछ इस प्रकार से गिफ्ट दे सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।